हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। होम शेफ रेशमा खान में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तंदूरी। चिकन तंदूर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच दही, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा टीस्पून ऑफ हल्दी, थोड़ा फूड कलर, तंदूरी मसाला 2 चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और 2 चम्मच नींबू का रस। चलिए हम बनाते हैं। पहले हम चिकन को डाल लेंगे। चिकन पीसेस डालने के बाद लेमन जूस डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 30 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। मिनट तक छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो गया है। हम इसमें डालेंगे दही जो पहले से ही छन्नी में छान के रख लिया है, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून और फूड कलर। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से टोटल मिक्स होने के बाद अब ये 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। चाहे तो टाइम होने से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। 30 मिनट हो गया है, हमने रेफ्रिजरेटर से निकाल दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया है और टोस्ट पर रखेंगे। 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है हमने। अब इसको ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस हो जाने के बाद चिकन पीसेस को रखेंगे। रखने के बाद फिर हम इसको 30 मिनट तक टाइमिंग रखेंगे। जब तक हमारा तंदूरी चिकन पकेगा तब तक वेट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा तंदूर पकता है तब तक के लिए हम ग्रीन चटनी बना लेंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 1 चम्मच नमक, 7 से 8 कली लहसुन के, 1 टीस्पून नींबू रस और थोड़ा सा अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना।
इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। डाल लेंगे हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन की कली, नमक, हरा धनिया और पुदीना। हम इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा दही मिला लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनकर तैयार है। हम इसमें दही मिला लेंगे। बॉल में दही लेंगे, और 2 से 3 चम्मच हरी चटनी मिला लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनकर तैयार है तंदूर के साथ सर्व करने के लिए। लेमन जूस ऐड करेंगे, आधा लेमन है, और इसको भी अच्छे से मिला लें। हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। 30 मिनट्स कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, ऑयल से ब्रश कर लेंगे। अच्छे चारों को भी ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा पलट देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है, इस पे भी ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद फिर इसको 10 मिनट्स तक रखेंगे। हमने 10 मिनट्स के लिए रख दिया है टाइमर। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रिल चिकन बनकर तैयार है। सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा तंदूर चिकन बनकर तैयार है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।